हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं सिंपल वोल्टेक्स सेल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि केमिकल सेल क्या होता है। केमिकल सेल होता है बेसिकली जिससे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस केमिकल सेल के दो टाइप पड़े थे, पहला था प्राइमरी सेल, सेकेंड था सेकेंडरी सेल। तो उस प्राइमरी सेल के कुछ एग्जाम्पल्स की लिस्ट में था एक सिंपल वोल्टेक्स सेल। तो आज इसी को हम देखने वाले हैं, व्हाट इज सिंपल वोल्टेक्स सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो सिंपल वोल्टेक्स सेल है, इसको इन्वेंट किया था एक साइंटिस्ट गैल्वेनी ने 1791 में। ओके स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद इस सेल को मॉडिफाई किया गया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए इस सेल के दो नाम हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल एंड इनके नाम से होता है वोल्टेक्स सेल। ओके, तो इसलिए इसको बोला गया बेसिकली सिंपल वोल्टेक्स सेल। चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स, हम इसके लिए एक ओपन ग्लास वेसल लेते हैं। आपको दिख रहा है कि ग्लास का बर्तन है बेसिकली, एंड ये ओपन है, एंड इस ग्लास में हम लोग लेते हैं H2SO4 जो कि डाइल्यूटेड एसिड है। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे डाइल्यूटेड H2SO4 लेते हैं, तो ये जो है एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक को फ्लो करने अलाउ करे, राइट? या फिर इसी को अदर टर्म्स में ये बोल सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट हो, डिसोसिएट होने पर यानी कि अलग अलग आयन्स में ब्रेकडाउन होने पर अपने थ्रू इलेक्ट्रिक को फ्लो करने दे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल वोल्टेज सेल में जो ओपन ग्लास वेसल है, इसके अंदर हम डाइल्यूटेड H2SO4 लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो H2SO4 है, ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड डिसोसिएट होना स्टार्ट होता है मतलब कि H+ आयन अलग हो जाते हैं एंड SO4 निगेटिव आयन्स अलग हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमको सिंपली हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जिंक का। ओके स्टूडेंट्स, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो दो रॉड लिए गए हैं, इनको हम रॉड भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड को, तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉपर की रॉड है या जो इलेक्ट्रोड है वो एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के जैसे काम करती है, एंड जो जिंक है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। अभी कैसे पॉजिटिव और निगेटिव हुआ इसको समझेंगे हम इसके वर्किंग के थ्रू। चलिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो सिंपली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले बताया कि ये H2SO4 जो है ब्रेकडाउन होता है आयन्स में, तो हमको मिलता है हाइड्रोजन आयन एंड द सल्फेट आयन। ओके, तो यहाँ से H2 है तो दो हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे एंड सल्फेट आयन दैट इज SO4 2 निगेटिव आयन हमको मिल जाता है। ओके, अब क्या होता है इसमें, जो SO4 2 निगेटिव आयन है यहाँ पे, निगेटिव आयन मिल गए, तो जैसे ही बेसिकली जिंक की इलेक्ट्रोड हम इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डुबाते हैं, डिप करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जिंक है वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाता है। आयनाइज होना स्टार्ट हो रहा है मतलब कि सिंपली वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयन्स में कन्वर्ट कैसे होता है कि जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके जिंक 2+ आयन्स हमको मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो एक्चुअली कलेक्ट कहाँ होते हैं, वो इस जिंक इलेक्ट्रोड के सरफेस पर। ओके, इसके सरफेस पर बेसिकली जमा होते जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंपली कि जो Zn2+ आयन है वो SO4 2 निगेटिव आयन से कंबाइन हो जाता है एंड कंबाइन होने पर वो ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट बनाता है। ओके, अब यहाँ क्या हुआ एक्चुअली, तो यहाँ पे जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जमा हो गए वो बहुत अधिक मात्रा में जमा हो गए, इसी की वजह से जो निगेटिव आयन है जिंक इलेक्ट्रोड पे वहीं से आया है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो H2SO4 से SO4 तो यूज़ हो गया है, पर ये हाइड्रोजन आयन जो है वो अनस्टेबल है, राइट? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो वो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है तो वो आएगा इधर किसके पास, कॉपर वाली इलेक्ट्रोड के पास। जैसे ही ये कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास आएगा तो हाइड्रोजन आयन को क्या चाहिए, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन सल्फेट लेकर भाग गया, राइट? तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, कॉपर से। तो कॉपर उसको इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, न्यूट्रल होने के लिए। तो जैसे ही कॉपर उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, और क्योंकि इसने डोनेट किया है इस वजह से इस पे आता है प्लस आयन। ओके स्टूडेंट्स, एंड सिंपली ये हाइड्रोजन जो है जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बट ये अगेन हाइड्रोजन गैस कहाँ जमा होना शुरू आती है, वो जमा होना शुरू आती है किस पे, कॉपर के इलेक्ट्रोड पे। ओके, तो अभी तक सब कुछ क्लियर है स्टूडेंट्स आपको कि सिंपली क्या हुआ है, SO4 इधर गया, हाइड्रोजन इधर गया,
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस आयन आ गया, आई मीन जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव आयन की जैसे काम करेगा, एंड ये जो जेड एन इलेक्ट्रोड है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की जैसे काम करेगा। ओके, अब क्या होता है, अब आप सिंपली सोचिए, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो गए उसके सरफेस पर, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों इलेक्ट्रोड को सिंपली कंबाइन कर दे रहे हैं एक वायर के थ्रू। अब चाहे तो आप यहाँ बल्ब लगा सकते हैं, आप चाहे तो रेजिस्टेंस ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। ओके, जैसे ही हमने दोनों इलेक्ट्रोड को कंबाइन किए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे इस डायरेक्शन में, गेटिंग। क्यों ऐसा, क्योंकि कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये भी न्यूट्रल होना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा भी है तो ये इधर मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर मूव कर रहे हैं तो करंट किधर फ्लो करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो करंट जाएगी कॉपर टू जिंक एक्सटर्नली। वाई वी आर यूजिंग एक्सटर्नली, क्योंकि ये लिक्विड या सॉल्यूशन के बाहर से हो रहा है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो होगा कॉपर से जिंक के तरफ एक्सटर्नली। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप बिना इस कंसेप्ट के भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहाँ होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बेसिकली इधर होगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एंड ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, सो बेसिकली जैसे हमने इनको कंबाइन किए हैं तो कंबाइन करने पर क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जा रहा है कॉपर और जिंक की रॉड के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी सिंपल इसकी वर्किंग। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं, थ्योरी वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। ओके, तो आपको मैं एक बार सिंपली दिखा देता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सिंपली इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑब्जर्व किया गया, फाउंड किया गया कि जो कॉपर की रॉड थी, ओके, जो कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज थी, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो लगभग प्लस 0.46 वोल्ट होता है, एंड अगर उसी समय हम जिंक रॉड की बात करें तो उसका जो पोटेंशियल होता है माइनस 0.62 वोल्ट। तो अब हमको यहाँ पे अगर, क्योंकि हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है, तो उस केस में जो EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा इस सिंपल वोल्टेज सेल का, वो क्या होगा, दैट इज E इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.62, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एंड प्लस होने पे आ जाएगा E इज इक्वल टू 1.08 वोल्ट। तो वही यहाँ पे थ्योरी में बोला गया है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, टर्मिनल्स क्या है, बेसिकली कॉपर इलेक्ट्रोड एंड द जिंक इलेक्ट्रोड, तो जब ये ओपन सर्किट रहेगा तो उस समय जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सिंपल वोल्टेज सेल की कुछ डीमेरिट्स, कुछ कमियां हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो जनरली देखा गया है कि इस सिंपल वोल्टेज सेल के अंदर दो डीमेरिट देखने मिलती है, जिसके वजह से जो ये जो करेंट का फ्लो होता है वो बहुत लंबे समय तक के हमको नहीं मिलता है। अब ये दो डीमेरिट्स हैं, जो उसकी कमियां हैं वो क्या हैं, देखते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट इज अ पोलराइजेशन एंड सेकेंड इज अ लोकल एक्शन। पहले समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है और ये क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम होती है इससे। तो बेसिकली जब हम दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, ओके, एक कंडक्टिंग वायर से, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है, अभी हमने देखे थे। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो जमा कहाँ होती है, डिपॉजिट कहाँ होती है, वो डिपॉजिट होती है बेसिकली कॉपर की रॉड पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और ये हाइड्रोजन गैस वहाँ कलेक्ट कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स, बबल के फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या हो जाती है कि इस हाइड्रोजन की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो और आगे रिएक्शन हो सकती थी, जो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे और जो फ्लो लगातार हो सकती थी, वो स्टॉप हो जाती है। एंड इसी के साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जो और जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और निकलती जाएगी जब तक कि रिएक्शन होती जाएगी, पर सपोज कीजिए कि उस कॉपर पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन की लेयर लग चुकी है और एक बार हाइड्रोजन गैस आएगी तो वो कहाँ जाएगी, अब वहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के पास जाएगी तो वो उसको रिपेल करेगी, उसको आने देगी नहीं पास, तो ये प्रॉब्लम हमको फेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड पॉइंट में यही बोला गया है कि एक हाइड्रोजन की लेयर्स ऑलरेडी बनी हुई थी और जैसे ही एक दूसरी और एक लेयर बनना शुरू होती है तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ओके, एंड रिपेल होने की वजह से जो दूसरे हाइड्रोजन गैस थे वो किधर मूव करने लग जाएंगे, जिंक वाली रॉड की तरफ से, क्योंकि उसको धक्का दिया गया, एंड दूसरी रॉड वहां पे कौन सी बची, दैट इज जिंक। ओके, तो इसका मतलब ये रिवर्स ईएमएफ लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप समझिए, इस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है
वो एक्सटर्नल सर्किट में अब स्टॉप हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि जो ये सेल है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गया है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पोलराइज, यानी कि बेसिकली अब उसमें से करंट का फ्लो होना बंद हो गया है। तो बेसिकली स्टूडेंट हम यहाँ समझ पा रहे हैं, आप समझिए थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो करंट है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो एक्सटर्नल सर्किट में स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे एक लेयर जम गई, तो फर्दर रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, और इसी को बोला गया है पोलराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बेसिकली स्टूडेंट्स इस पोलराइजेशन इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आप चाहें तो बैटरी बल्ब को सर्किट में लगा करके यूज करके देख सकते हैं। ओके, तो ये था पोलराइजेशन प्रॉब्लम, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है वो बेसिकली कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जमा हो रही है, और दूसरी भी अगर आ रही है तो उसको धक्का देकर के जिंक के पास भिजाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर पे और ज़्यादा वहाँ पे लेयर नहीं जमा हो सकती। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि बेसिकली इस पोलराइजेशन की प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सके। तो हाँ, तीन तरीके हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ मैकेनिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो कॉपर की रॉड है उसको बाहर निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं बाहर? क्योंकि उस कॉपर पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स जमा हो गए, तो उसको ब्रश से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। और ये प्रोसेस आपको बार बार थोड़े थोड़े टाइम में करनी पड़ेगी। ओके, क्या आप ये सोच के बताइए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है, राइट। क्योंकि आप प्रैक्टिकली बार बार बीच में उस रिएक्शंस को पॉज करके रोक करके उसको निकालेंगे, इलेक्ट्रोड को साफ करेंगे, बट ये मैकेनिकली ठीक है, कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ओके, सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, जो कॉपर की रॉड पे हाइड्रोजन जमा हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ द वाटर बबल्स, तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जैसे कि ले सकते हैं एग्जांपल के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब। अब ये क्या होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एज अ डीपोलराइजर काम करते हैं। डीपोलराइज मतलब कि उस पोलराइजेशन के खिलाफ काम करना, यानी कि पोलराइज जो हो गया है उसको डीपोलराइज कर दिया जाएगा, तो उस पे जो हाइड्रोजन गैस जमा है वो रिमूव हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? एंड द लास्ट मेथड इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम एक और पॉजिटिव प्लेट लेते हैं। पॉजिटिव प्लेट क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, पॉजिटिव प्लेट ऑलरेडी है, राइट। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर हम और एक पॉजिटिव प्लेट रख देंगे तो क्या होगा, अब सिंपली हाइड्रोजन गैस उसके पास आने लग जाएगी, तो उससे जो पोलराइजेशन की प्रॉब्लम हो रही थी वो सिंपली सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो बस यही तरीका है। तो ये चीज़ डेनियल सेल में यूज होती है। उसमें क्या होता है कि हम और एक एक्स्ट्रा जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जिससे कि पोलराइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली दूर हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला डीमेरिट था पोलराइजेशन। देखते हैं सेकेंड, दैट इज लोकल एक्शन। तो चलिए समझते हैं कि लोकल एक्शन क्या होता है। एक्चुअली जो प्योर जिंक होता है वो बहुत महंगी मेटल होती है, कॉस्टली मेटल होती है। ओके, तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो मार्केट से हम लोग जिंक लेने जाते हैं तो एक्चुअली वो हमको प्योर जिंक दे ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती है और अवेलेबल भी नहीं होती मार्केट में। तो उस समय क्या होते हैं, जो जिंक की रॉड हमको दी जाती है उसमें आयरन, लीड, आर्सेनिक, ये सब क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ मिली होती है। तो जिसके वजह से जैसे ही हम उस जिंक रॉड को डिप करते हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो बहुत छोटी छोटी सेल्स बन जाती है। ओके, इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो उससे रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम डिप करते हैं उस रॉड को उस सॉल्यूशन के अंदर, H2SO4 डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो सेल है वो हमेशा यूज आप करो चाहे मत करो, ये डिसॉल्यूशन है, जो आयंस बनते जाते हैं एंड जो अंदर में जो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते रहती है, तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं बट स्टिल रिएक्शंस हो रही है। ओके, रिएक्शन हो रही है क्यों? क्योंकि उस जिंक के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई है, और वो जैसे ही उस एसिड के अंदर जाती है, दैट इज डाइल्यूटेड H2SO4 के अंदर जाती है, तो वो क्या होता है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, चाहे आप उसको यूज करिए चाहे मत करिए। इसी प्रॉब्लम को बोला गया है लोकल एक्शन। लोकल एक्शन मतलब जो लोकल में मार्केट में अवेलेबल है जिंक, वो उसमें इम्प्योरिटीज है, तो वो हमको लोकल प्रॉब्लम मिल रही है, इसी को बोला गया है लोकल एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द पॉइंट इज कि इस लोकल एक्शन की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली इस लोकल एक्शन को स्टॉप करने के लिए हम एक मर्क्यूरी की लेयर बनाते हैं और उसको कोट कर देते हैं इस जिंक रॉड पे जिसमें इम्प्योरिटीज हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, जो लोकल एक्शन है, लोकल एक्शन इन द सेंस जैसे हमने उसको एसिड के अंदर डाले, जो डिसोल्यूशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ओके, एंड उस कंडीशन में फिर जब ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ डिसॉल्व क्या होता है, जिंक होता है। यानी समझिए इस चीज को कि बेसिकली बाकी सब चीजों को रोक देता है, कौन,
मर्क्यूरी की वो लेयर। तो सिंपली ये जो मर्क्यूरी की हमने अभी लेयर बनाए और उस पर लगाए वो उन इम्प्योरिटीज को रोकता है एंड जिंक को ही सिर्फ अलाउ करता है कि आप जाइए एंड डिसॉल्व होइए। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों हुआ बेसिकली ऐसा? क्योंकि जैसे हमने मर्क्यूरी की लेयर की कोटिंग की है तो वहाँ पे एक अमलगम क्रिएट हो जाता है उस रॉड के सरफेस पर, और वो अमलगम की जो लेयर होती है वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ जिंक को बाहर जाने देती है, यानी कि डिसॉल्व होने देती है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।